अस्सलामु अलैकुम। हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाय। दोस्तों, वीवो V25 प्रो की काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, लेकिन फाइनली आपको फर्स्ट लुक देने वाले हैं इस वीडियो में। वीवो V25 प्रो पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार सी स्पेसिफिकेशन, थोड़ी सी चेंजिंग ज़रूर दिखाई देगी। दोस्तों, पहले जो स्पेसिफिकेशन बताई जा रही थी चाइनीज़ वेरियंट में और पाकिस्तान में जो लॉन्च होने वाला है उसके बारे में, तो ये इंडिया की मार्केट में दोस्तों लॉन्च हो चुका है। स्पेसिफिकेशन काफ़ी तगड़ी है, प्राइस कितनी आएगी पाकिस्तान में और वीवो V25 प्रो वाकई एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होगा या नहीं, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को कंप्लीटली देखिए। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। भाई सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस फोन का जो बैक साइड से डिजाइन है एंड फ्रंट साइड से आपको कर्व डिस्प्ले एंड कर्व बैक साइड से मिल जाएगा। दोस्तों, कर्व डिस्प्ले वैसे कर्व डिजाइन जो है वो एक हिसाब से एक फ्लैगशिप फीलिंग तो जरूर देता है, लेकिन टूट फूट का थोड़ा खतरा जरूर होगा इसमें, क्योंकि गिर जाए फोन तो बचने के चांसेस कम ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैक पर आपको डिजाइन काफी प्रीमियम मिलता है, काफी चेंज किया गया है, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर दिया गया है। वीवो V23 में आपको गोल्डन कलर मिलता था कलर चेंजिंग वाला, लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर है, लेकिन ये भी कलर चेंजिंग ग्लास दिया गया है बैक पर। और आपको कैमरा मॉड्यूल में काफ़ी हद तक चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेगी, और इसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। 6.56 इंचेस का एक एमोलेड पैनल मिलेगा, यहाँ पर नॉच की बजाय आपको सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर सिंगल सेल्फी दी गई है। दोस्तों, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर सेंटर पंच होल वाला स्टाइल तो नया बन जाता है नॉच को हटाकर, लेकिन जो V23 में फ्रंट कैमरे ड्यूल दिए गए थे यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा 32 मेगापिक्सल की ही सेल्फी दिखाई देगी। ओवरऑल डिस्प्ले में बहुत इंप्रूवमेंट है, 1500 निट मैक्स ब्राइटनेस दी गई, धूप में बड़ी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से डिस्प्ले काम करेगा। ये तो जब फ़ोन आएगा हमारे हाथ में तब आपको बता सकते हैं, उसके आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आपको जल्दी मिलती रहेंगी हमारे साथ। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर डायमेंसिटी 1300 का चिपसेट बताया जा रहा है, एक तगड़ा चिपसेट है। गेमिंग करेंगे भाई मज़ा आने वाला है आपको, बहरहाल गेमिंग फ्लैगशिप लेवल की आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर जो है ये बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। गेमिंग करेंगे, हाईली गेमिंग करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों बहरहाल आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथली आप प्ले कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी है। यहाँ पर अगर कैमराज पर नजर आ रहे हैं थोड़ी इंप्रूवमेंट की गई है दोस्तों, बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल का कैमरा, और फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दिखाएगी। आपको यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग ज़रूर मिल जाती है इस फ़ोन में, और आपको कैमरा में भी काफ़ी हद तक कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट की गई है और चेंजेज आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। वीवो V23 से काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई इस फ़ोन में, तो उम्मीद करते हैं अच्छे कैमराज होंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट देखें बैटरीज की, तो आपको 4850 एमएच की बैटरी इस फ़ोन में दिखाई देगी दोस्तों, पहले 4500 एमएच की, लेकिन 4850 एमएच की बैटरी। यहाँ पर चार्जर जो है 80 वॉट का, चाइना में जो है वो फ़ोन जो था 80 वॉट का चार्जर था, लेकिन ये फ़ोन 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है, और 66 वॉट की ही फास्ट चार्जिंग आएगी इस फ़ोन में। यहाँ पर आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है, ड्यूअल स्पीकर भी कह रहे हैं इस फ़ोन में इंप्रूव किए गए हैं, पहले सिंगल था वीवो V23 में, यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर लगाए जाएंगे, और इसके साथ आपको एंड्रॉयड 12 पर मिलेगा और फनटच OS 12 वर्जन मिलेगा, ये कन्फर्म है दोस्तों, क्योंकि जो चाइना में लॉन्च किया गया ओरिजिन OS मिलता है, जो पाकिस्तान वेरिएंट आएगा ग्लोबली वेरिएंट वहां पर आपको फनटच OS ही मिलेगा दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगी। यहां पर आपको 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा, लेकिन 8+8 वाला रवाज चल गया है अब वीवो के फोन्स में, Y35 में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर वीवो V25 प्रो में भी 8GB+8GB की एक्सटेंडेड रैम आपको देखने को मिल जाएगी, और इस फोन की प्राइस लगभग आपको तकरीबन 1,20,000 के करीब मिलेगी। अगर डॉलर रेट और ज़रा कम होता है तो शायद आपको 1,00,000 के करीब ये फ़ोन देखने को मिल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है। अगस्त के एंड में या सितंबर के मिड में ये फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिल सकता है, लॉन्च डेट अब तक कन्फर्म नहीं हुई, जैसे ही कन्फर्म होती है आपके सामने हाजिर हो जाएंगे दोबारा बताने के लिए, और या कमेंट्स में कम्युनिटी बॉक्स में आपको आगाह कर देंगे।
आपको ये फोन कैसा लगा, कितनी प्राइस में आना चाहिए ये फोन, ये सब कुछ आप कमेंट्स में बताइएगा। 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा। जो लोग नए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करके फिर वीडियो को बंद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज्यादा मैं आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।